बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटाइल्स फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ क्वांटाइल्स फॉर कंटिन्यूस grouped frequency distribution तो इस पर्पज़ के लिए बुक में एग्जांपल नंबर 2.19 इसको आप लोग देखें। इसमें कहते हैं कैलकुलेट Q1 D8 एंड P60 from the following data। और उसके लिए डेटा गिवन है क्लासेस 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 and 30 to 34। ये क्लासेस हैं। उसके आगे फ्रीक्वेंसीज गिवन हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 6, 10, 16, 12, 8 and 4। तो सबसे पहले जब हम ये क्वांटाइल्स कैलकुलेट करते हैं, यानी क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को कलेक्टिवली, इन तमाम को क्वांटाइल्स कहा जाता है। तो कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने का प्रोसीजर आप लोग देखें। ये जो क्लासेस हैं हमारे पास 0 to 4, 5 to 9, 10 to 4, तो ये पहले दो क्लासेस आप लोग चेक करें। इसमें फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस आप मालूम करें। तो 5 - 4 इससे 1 आता है। 1 को आप हाफ़ कर लें, यानी 2 पे डिवाइड कर लें, 0.5 आता है। तो तमाम लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर लें और अपर लिमिट्स में 0.5 को प्लस कर लें। तो यहाँ 0 से 0.5 माइनस करेंगे तो -0.5 आएगा और 4 में प्लस करें तो 4.5। 5 से माइनस करें 0.5 तो 4.5 आएगा। 10 से माइनस करें तो ये 9.5 आएगा। 15 से माइनस करें तो ये 14.5 आएगा। 20 से माइनस करें तो 19.5। और इसी तरह ये तमाम क्लासेस आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगे। देखिए, अपर लिमिट्स इन तमाम में हमने 0.5 प्लस किया तो ये अपर क्लास बाउंड्रीज आ गई। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो CF फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए ये फ्रीक्वेंसी आप लोग एज सच इसी तरह लिखें, फिर सेकंड फ्रीक्वेंसी इसके साथ 6 और ये वाला 4 ये प्लस करें तो 10, फिर 10 के साथ ये वाला 10 प्लस करें 20, और 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 12 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 4
60। इसी तरह फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है इसका टोटल भी 60 के बराबर आएगा, जिस तरह ये आया हुआ है। अच्छा, अब फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए Q1 इज इक्वल टू समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4th आइटम इन डेटा। डेटा में समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4th आइटम उसको हमने देखना है। तो समेशन एफ हमारे पास 60 है और 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 1 4, 4 15 60, तो ये 15th आइटम हमारे पास आ रहा है। तो 15th आइटम फाइंड आउट करने के लिए आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखना है। 4 ये स्मॉल वैल्यू है 15th से, 10 ये भी स्मॉल वैल्यू है, फिर 20 तो ये 20 15 से लार्ज वैल्यू है। तो ये जो क्लास है इस क्लास में हम जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो इस क्लास में मौजूद होगा। अब फर्स्ट क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू एल लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ इनटू समेशन एफ डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी, ये फार्मूला है। जिस तरह हमने मीडियन के लिए ये किया हुआ था, तो L लोअर क्लास बाउंड्री है तो ये वाली लोअर क्लास बाउंड्री हम पुट करेंगे, प्लस H तो H इन क्लास इंटरवल है, यानी 5 और 0 के दरमियान आप डिफरेंस देखिए, 10 और 5 के दरमियान, 15 और 10 के दरमियान ये चेक करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि H जैसे विच इज़ क्लास इंटरवल ये 5 के बराबर है। तो H की वैल्यू वो पुट करेंगे 5। F ये वाली फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी क्लास विच कंसिस्ट फर्स्ट क्वार्टाइल, और समेशन F डिवाइडेड बाय 4, तो समेशन F डिवाइडेड बाय 4 ये हमने पहले मालूम कर लिया है विच इज़ इक्वल टू 15, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। माइनस सी तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये जो हमने इनसर्कल किया हुआ है क्लास, इससे पहले ये वाली फ्रीक्वेंसी हम इसकी जगह पुट करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास L की वैल्यू ये 9.5 है जो हमने इनसर्कल किया हुआ था, H की वैल्यू ये 5 है और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी ये 10 है और समेशन F डिवाइडेड बाय 4 इससे 60 डिवाइडेड बाय 4 यानी 15 आ रहा है और C की वैल्यू ये 10 है हमारे पास। ये आप लोग देख सकते हैं अपने डेटा में। ये देखिए, ये लोअर क्लास बाउंड्री है तो L की जगह पुट करेंगे और H की वैल्यू ये आप इसमें देख सकते हैं, तमाम लोअर क्लास लिमिट्स में जो डिफरेंस है या तमाम अपर क्लास लिमिट में जो डिफरेंस है वो इस 5 का डिफरेंस है। तो ये H की वैल्यू है। F की वैल्यू ये हम 10 पुट करेंगे और समेशन F डिवाइडेड बाय 4 इसकी वैल्यू 15 आ रही है और C की वैल्यू ये इस क्लास से बिफोर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम 10 पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख ली है, अब इसको आप लोग फार्मूले में फीड करें। तो Q1 इज इक्वल टू 9.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ H डिवाइडेड बाय F, समेशन F डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 15 माइनस और C की वैल्यू है 10। तो 9.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 10 और 15 में से 10 को माइनस करें तो 5 आ जाएगा। 9.5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 डिवाइडेड बाई 10 9.5 और ये 25 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। 9.5 प्लस 2.5 इससे 12 आ रहा है, लिहाजा फर्स्ट क्वार्टाइल हमारे पास 12 है। अच्छा, अब हम 8th डिसाइल कैलकुलेट करेंगे। D8 ये रिक्वायर्ड है, तो D8 का लोकेशन मालूम करेंगे। लोकेशन मालूम करने के लिए D8
इज इक्वल टू 8 इंटू समेशन एफ, और इसको डिवाइड करेंगे 10 से, जब डिसाइल्स हो तो 10 से डिवाइड करेंगे आइटम। 8 इंटू समेशन एफ डिवाइडेड बाई 10th आइटम, तो 8 इंटू समेशन एफ हमारे पास 60 है, समेशन एफ 60 डिवाइडेड बाई 10th आइटम, तो ये 10 वन ज़ा 10, 10 सिक्स ज़ा 60, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, 48th आइटम। अब 48th आइटम आप देखें, कमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज को चेक करें, ये 4 48 से कम है, 10 भी कम है, 20 भी कम है, 36 भी कम है, 48, ये 48 और ये इक्वल है। इसका मतलब ये है कि 8 डिसाइल ये इस क्लास में मौजूद है, 8 डिसाइल्स D8 लाइज इन द ग्रुप 19.5 to 24.5, इस ग्रुप में 8 डिसाइल वहाँ के हैं, तो 8 डिसाइल दैट इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ इनटू समेशन एफ डिवाइडेड बाय 10 माइनस सी। लोअर क्लास बाउंड्री, इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री हम यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल टू 19.5, एच ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 5 के बराबर है, फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस क्लास ये 12 है इज इक्वल टू 12, और सी इस क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटर फ्रिक्वेंसी विच इज इक्वल टू 36 की हम पुट करेंगे। सो D8 इज इक्वल टू 19.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 12, ये 5 डिवाइडेड बाय 12 एच ओवर एफ, और समेशन एफ डिवाइडेड बाय 10, समेशन एफ डिवाइडेड बाय 10, समेशन एफ 60 डिवाइडेड बाई 10 और माइनस कमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीसीडिंग टू दिस क्लास विच इज़ इक्वल टू 36, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि 8 डिसाइल है इसके साथ 8 मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 8, तो 19.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 48 माइनस 36, दिस इज इक्वल टू 19.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 48 में से 36 को माइनस करें तो इससे 12 आ रहा है, ये 12 और ये 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 19.5 प्लस 5 ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गए, 5 डिवाइडेड बाय 12 और ये 12 ये आपस में कैंसिल हो गए, 48 माइनस 36 इससे 12 आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 5 रह गए, 19.5 प्लस 5 दोनों प्लस करें तो यहाँ से 14.5 हमारे पास आ रहा है, ये D8 है यानी 8th decile विच इज़ इक्वल टू 14.5 24.5, 19.5 प्लस 5 इसको प्लस करेंगे तो ये 24.5 आ रहा है, तो 24.5 ये 8 डिसाइल है हमारे पास। नाउ 60th परसेंटाइल, इसको मालूम करने के लिए इसका लोकेशन पहले मालूम करेंगे कि P60 यानी 60th परसेंटाइल कहाँ पे वाक़ है, तो इसको फाइंड करने के लिए 60 मल्टीप्लाइड बाई समेशन एफ डिवाइडेड बाई 100, समेशन एफ डिवाइडेड बाई 100, इस चीज़ को आप लोग चेक करें कि जब हम क्वार्टाइल्स मालूम करते हैं तो उसमें समेशन एफ को 4 से डिवाइड करते हैं, जब डिसाइल मालूम करते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं, और जब परसेंटाइल मालूम करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, और ये लोकेशन होगा, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई ये समेशन एफ, इससे भी 60 आ रहा है, ये है समेशन एफ, समेशन एफ टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई 100,
आप देखें ये 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये 3600 इससे आ रहा है, डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए और हमारे पास 36th आइटम इन द डेटा सेट, ये इसमें परसेंटाइल 60th परसेंटाइल बाकी होगा। अब 36th आइटम कहाँ पर है, तो आपने डेटा के पास आना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज चेक करने हैं और उसमें वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है जो या तो 36 के बराबर है या 36 से लार्ज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आप इस लाइन में देखिए, ये हमारे पास मौजूद है 36 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप है इसमें 60th परसेंटाइल मौजूद है। P60 lies in the group, कौन सा ग्रुप है ये जिसके क्लास बाउंड्रीज है 14.5 से लेकर 19.5 तक, ये वाला क्लास, ये क्लास बाउंड्री है। लिहाजा P60 इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री प्लस H डिवाइडेड बाई F प्लस 60th परसेंटाइल है, तो 60 × F/100 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये वैल्यूज हमारे पास, L की वैल्यू, ये लोअर क्लास बाउंड्री है 14.5, H की वैल्यू ये हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं 5 के बराबर है, एफ़ की वैल्यू यही क्लास जिसमें या यही ग्रुप जिसमें 60th परसेंटाइल मौजूद है उसकी फ्रीक्वेंसी ये 16 है। तो एफ इज इक्वल टू 16 और ये 60 × F/100 इससे 36 आ रहा है, ये ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं। तो ये तमाम वैल्यूज़ आप इस फार्मूले में पुट करें। हाँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो ये जो क्लास है इससे पिछले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी ये 20 हम यूज़ करेंगे, सी इज़ इक्वल टू 20। तो ये तमाम वैल्यूज़ आप लोग इस फार्मूले में पुट करें तो हम इसी तरीके से 60th परसेंटाइल मालूम कर सकेंगे। सो P60 इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दिस क्लास विच इज़ 14.5 हमने पहले लिख लिया, प्लस H की वैल्यू 5 है, डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू ये 16 है, एफ की वैल्यू 16 और समेशन एफ डिवाइडेड बाई 100 × 60 उससे 36 आ रहा था हमारे पास, और इस क्लास से बिफोर क्लास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है सी की वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 14.5 प्लस 5 / 16, 36 − 20 इससे 16 आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 14.5 + 5 में 5 प्लस करें तो यहाँ से 19.5 आ रहा है, लिहाजा 60th परसेंटाइल हमारे पास है 19.5।